सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और फिर से काफ़ी दिनों बाद आ रही है वीडियो, तो उसके अलग अलग रीजंस है यार, बता के कोई मतलब नहीं है। तो आज की वीडियो में कुछ बात करनी थी। पहले पेट्रोल देखो, बिल्कुल मतलब ऐसा ही रहता मेरी बाइक में। दो दिन से तो मैं पैशन प्रो चला रहा था अपने पापा की, और लास्ट टाइम जब भी खड़ी करी थी तो बहुत कम पेट्रोल था। तो आज डलाएंगे इसको, पूरा पिछली बार की तरह ना हो जाए। पिछली बार एक बार क्या हुआ था कि मेरा पेट्रोल डलाना था, मेरे को पूरा प्लान था, मतलब डॉट कैलकुलेट करके रखा हुआ था कि यहाँ तक तो पहुँच ही जाएगी, और एक NS 200 वाले से रेस लग गई थी और मैं भूल गया डाला, मतलब भूल गया क्या, निकल गया। फिर वो वापस थोड़ी ना आऊँगा, थोड़ा चलो बाद में डला लेंगे। उसकी वजह से जितना कैलकुलेशन किया था वो भी अब बिगड़ गया था, बिकॉज तेज़ चलाई थी। तो अभी मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर मैं एल्गोरिदम्स लगाऊँ, पाई थीटा 22/7 और जितनी भी ये थ्योरम लगा के और सब कुछ लगा लूँ कि अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तो ये बाइक अभी कुछ चलेगी, अभी जितना इसके अंदर पेट्रोल है कुछ चलेगी, ये 25 समथिंग चल जाएगी है, क्योंकि सिटी में चला रहा हूँ ना, तो 25 समथिंग चल जाएगी। हाईवे पे होता तो 30 का आराम से दे देती है। चलो ये होगी पेट्रोल की बात। अब बात करते हैं कि आज की वीडियो में क्या बात करनी है। तो आज मैं बताने वाला था बाइक के बारे में वापस से। इसके अंदर अभी काम करवाया है एक सेकेंड, वो नो बहुत रिस्की था, सैटरडे को करा था, लास्ट सैटरडे को, उसके बाद वैक्सिंग लगवाई थी तो उस चक्कर में वीडियो बना नहीं पाया। तो दोबारा एक बार बोल देता हूँ, फॉर दोज हु आर न्यू ऑन दिस चैनल, उनको नहीं पता होगा कि क्या सीन चल रहा था। सो बाइक का ना काम कराना था सर्विस सेंटर में, हीरो के कंप्लेंट कर दी थी। तो बाकी आप देख लेना पुरानी वीडियो, जहाँ आई बटन में आ रही होंगी। तो मेरी बाइक लास्ट जब मैंने सर्विस कराई थी उससे कुछ चल चुकी थी, 450 किलोमीटर, और तब मैं उनके पास गया सर्विस सेंटर, मैंने बोला कि भाई जो कंप्लेंट करी थी ये रही वो वाली बाइक। तो मैंने उस मैकेनिक से बोला जो जिसने पहले मेरी गाड़ी करी थी, मतलब अच्छा मैकेनिक है वो, मैं तो ये बोलूँगा कि उस पूरे पर्टिकुलर जो सर्विस सेंटर है उसमें तो सबसे बेस्ट मुझे वही लगता है, और अगर बाकी अगर मैं बाहर निकल जाऊँ तो देन ही इज़ नॉट द बेस्ट। ओके, फिर उन्होंने मेरी गाड़ी चढ़ाई, वो वाला मैकेनिक आया और उसने गाड़ी देखी तो बता तो दिया, हाँ भाई दिक्कत तो है भाई गाड़ी में। और मैंने उसको बोला था कि ऑयल लीक हो रहा है, एक काम करता हूँ जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा ना तो मैं ऑयल लीक की क्लिप यहाँ पे डाल रहा हूँ, अभी तो नहीं दिखा पाऊँगा, ऑयल लीक की क्लिप डालूँगा और एक इंजन साउंड की भी यहाँ पे मैं क्लिप डाल दूँगा, तो आपको समझ में आ जाएगा पहले की भी डालूँगा कि पहले कैसा आ रहा था और अब कैसा आ रहा है। तो यहाँ पे ऑयल लीक हो रहा था थोड़ा सा, मैं लाइट जलाता हूँ। तो देखो ये ऑयल लीक ही लग रहा है मुझे तो, हो सकता है ऑयल लीक हो। बाकी पैकिंग के लिए बोला था तो यहाँ पे एक ये ऊपर से होती है, एक यहाँ से होती है और एक डायरेक्ट नीचे से, तो उसने बोला कि इधर से कोई चांस तो नहीं है लीक होने का, बट कहीं और दिखाना पड़ेगा। किट 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 की आवाज़ सुनाई दी, थोड़ा एक्सेलरेट करके देखते हैं इसको, तो इसको पकड़ने में थोड़ा इशू है। बेनिफिट ऑफ हैविंग अ बाइक, यो फुल कर, ओ भाई साहब मैं सबसे आगे आ गया, बच गया, वाह वाह। ये देखो ओ RC 390 नाइस वाह। और देन मैकेनिक ने बोला कि भाई इसमें तो 3 घंटे लग जाएंगे, बिकॉज टंकी उतारनी पड़ जाएगी इसकी, टैपिट मेन तो टैपिट की ही दिक्कत थी, बाकी तो वो कर दे तो भाई उनकी अच्छाई है वो। तो उसने जब गाड़ी लगाई, साइड के पैनल खोले, टंकी तो नहीं उतारी, ऐसे उसने टैपिट जो है वो उनको दिखा दिए। मुझे उस मैकेनिक की एक बात अच्छी लगी कि वो हम्बल था,
और काफ़ी कैजुअल था वो, मतलब दोस्त की तरह उसने बात की, भाई देख लो देख लो, और मेरे सामने लिटरली उसने मेरे सामने गाड़ी बनाई है मुझे बुला के। वहाँ पे जो मैनेजर था उसने बोला मेरे से कि आप अंदर बैठ जाओ, टेंशन मत लो, गाड़ी हो जाएगी। तो मैकेनिक बोला नहीं नहीं भाई, इनके सामने करूँगा ताकि इनको तसल्ली हो जाए पता नहीं कहीं वो पॉइंट ना मार रहा हो, बट गाड़ी ठीक हो गई ना, मुझे क्या पॉइंट मारता कुछ भी मार। अब जब उसने गाड़ी टैपी टैपिट खोले, मैंने उसकी देखी टाइमिंग चेन, मतलब मुझे लिटरली नहीं पता था कि जो 150 सीसी से ऊपर की बाइक्स होती है उनमें टाइमिंग चेन थोड़ी अलग स्टाइल की होती है। मैं कह रहा भाई टाइमिंग चेन कितनी मस्त लग, भाई लिटरली बहुत अच्छी लग रही थी यार दिखने में, वो नॉर्मल चेन जैसी नहीं थी। तो जो भी 150 सीसी से ऊपर की बाइक्स होती है ना उनमें वैसी टाइमिंग चेन आती है, तो वो बोला कि अच्छी रहती है इनमें आवाज़ ववाज़ जो भी नॉइज़ वॉइस कम आती है, वो पता नहीं आती होगी नहीं आती होगी लेकिन दिखने में तो बड़ी मस्त लग रही थी। मैं कह रहा भाई चलो एक चीज़ तो अच्छी इस बाइक में, कहीं वो पुरानी सी टाइमिंग चेन दे देते बड़ी सी। उसके बाद जब उसने टैपेट ऊपर चेक करे, तो मैं तो पहले वीडियो देख चुका था ARV ब्रदर की ना, मैं वीडियो वगैरह देख लेता हूँ कि कैसे कैसे होता है, तो आइडिया मिल जाता है थोड़ा। तो मैंने देखा कि वो बढ़िया तरीके से उसने जिस तरीके से चेक करने चाहिए वैसे टैपिट वैपिट हिला लो के चेक करे, कह रहा हाँ भाई लूज़ तो है, और उसने टाइट टाइट करके फिर मेरे को भेज दिया कि भाई अब आप बैठ जाओ मैं पैक वैक कर देता हूँ गाड़ी। उसने पैक वैक कर दी, फिर इंजन ऑयल जो इंजन में से ऑयल लीक हो रहा था उसके लिए उसने बोला कि भाई वो ऑयल ऑयल लीक नहीं हो रहा है, वो ऐसी कुछ है। तो कोई प्रॉपर आंसर तो मिला नहीं, बट उसने जो बोला मुझे काफ़ी हद तक वैलिड लगा। उसने बोला भाई इंजन में ना तीन तरफ से ऊपर से तीन पैकिंग होती हैं, एक तो बिल्कुल जहाँ हेड खुलता है टैपिट वगैरह के लिए, जो रॉकर टैपिट होते हैं वहाँ हेड, उसके नीचे एक पैकिंग होती है और उसके नीचे भी एक होती होगी पता नहीं, वो जब मैं इटली पैड करूँगा ना तब दिखा दूँगा। तो कह रहा भाई यहाँ से तो सवाल ही नहीं उठता निकलने का, मैं लाइए भी ठीक है भाई। अब पता नहीं भाई, अब उसने जैसा बोला बोला, और जब उसने इंजन ऑयल का लेवल चेक करा, इंजन ऑयल का लेवल एकदम एक्यूरेट था, तो मुझे लगा हो सकता है कि जो मैंने स्प्रे मारा था ना इस पे, जो चमकाने के लिए होता है स्प्रे, मुझे लगता है वो है जो गरम वरम हो के भाप वाप कुछ ना कुछ हो के कुछ वो हो गया होगा, वही लग गया होगा, तो वो भी इशू सॉल्व हो गया। तो नॉइज़ की बात करूँ अगर मैं, तो नॉइज़ जो है वो 60-70% अब बाइक से कम आ रही है, तो आई एम हैप्पी, लेकिन थोड़ी बहुत आ रही है। और उसने भाई पहले ही बोल दिया था कि भाई पूरी नॉइज़ तो मैं ख़त्म नहीं कर पाऊँगा, थोड़ी सी मतलब काफ़ी हद तक नॉइज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी टैपिट की, लेकिन पूरा इंजन कहीं बोलो साइलेंट हो जाए एकदम बढ़िया न्यू जैसा तो वो नहीं कर पाऊँगा, ऐसा उसने मुझे बोला, साफ साफ उसकी वर्डिंग्स थी, बट कोई बात नहीं। और अब बात कर लेते हैं कि कितना चार्ज लगा, तो चार्ज लगा ज़ीरो। मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि मैं एक भी चार्ज नहीं देने वाला, अगर कोई पार्ट डलेगा जस्ट लाइक गैस्किट कवर डल रहा है, ऑयल सील डल रही है, कुछ भी पार्ट डल रहा है, आई एम ओके विद दैट, मैं पैसे तुम्हें दे दूँगा, बट ऐसे सर्विस चार्ज में तो मैं नहीं देने वाला, बिकॉज मैं ऑलरेडी 450 या 550 था समथिंग लास्ट टाइम, वो दे चुका हूँ मैं, और उस टाइम मेरा काम हुआ नहीं था। अब इसमें कुछ नहीं है, जो पुराना मैकेनिक था मैं तो चलो इस चीज़ को अच्छा मानूंगा, क्योंकि जो पुराना जिसने मैकेनिक ने जो काम बिगाड़ा था इस बाइक का उसने नहीं करा टैपिट साइड, वरना वो कुछ और ही ख़राब कर देता भाई। जानकार बंदा अगर करेगा, एक्सपीरियंस बंदा, तो अच्छा रहेगा। फिर वो जो मैकेनिक था वो मुझे ले, अभी ये कौन सी है भाई, रेजर 125, वो भाई साहब स्कूटी, आजकल स्कूटियों को ना ये बिल्कुल मतलब प्राइम टाइगर बना के छोड़ेंगे क्या भाई। हवा बहुत तेज़ चल रही है, मुझे नहीं लगता साउंड अच्छा आ रहा होगा। तो उसके बाद वो मैकेनिक था उसने मेरे को पीछे बिठाया, एक राउंड मार के आए हम लोग, फिर मैंने भी चलाया। तो उस मैकेनिक को मैं थोड़ा सा मतलब जब बात होती रहती ना भाई, मैं एक दो साल से वहीं सर्विस करा रहा हूँ, तो बात होती रहती, तो थोड़ा जानता भी है और मेरे एरिया में ही रहता, आई थिंक वो आसपास ही रहता होगा। तो उसने मुझे बोला भी है कि उसने मुझे देखा भी है जब मैं ऑफिस आता जाता हूँ शाम को, कह रहा मैंने देखा है तुम बहुत तेज भगा के लेके जाते हो गाड़ी, मैंने बोला हाँ भाई तो ऐसे थोड़ा फ्रैंक फ्रैंक टाइप रहा, तो उसने बता दिया। बाकी जब भी मैं सर्विस कराता हूँ मैं उसको बोल देता हूँ भाई कोई भी दिक्कत हो तो अभी बता, क्या था भाई कोई दिक्कत नहीं, मतलब देख चेन सेट वगैरह सब ओके, कह रहा हाँ भाई एकदम ओके है, तुम ल्यूब मार लिया करो, मतलब भाई मैं सब मारता हूँ ल्यूब जो है सब मारता हूँ, खुद ही ख्याल रखना पड़ता है, मतलब कोई भी चीज़ तेरे को बेरिंग वेरिंग जो भी कुछ है बदलना है तो बता दे, मैं अभी बदलवा दूंगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गाड़ी एकदम परफेक्ट चाहिए परफेक्ट। मैंने पहले बोला था कि मैं इस पर सर्विस नहीं कराने वाला, मैं कहीं और सर्विस कराऊंगा, तो जिस तरीके का उसने इस बार काम किया तो मेरा तो मन बन गया भाई क्या क्या गाड़ियाँ दिख रही भाई, ZMR किंग भाई किंग। हाँ तो मैं था कि मैं तो कहीं और कराने वाला था, मतलब ARV ब्रदर के पास कराने वाला था, सागर ऑटो करके नाम है। तो अब उसने ऐसा किया तो मेरे को तो ठीक लगा कि मतलब चलो अच्छी सर्विस हो रही है, बट स्टिल प्लान अब चेंज नहीं होगा, प्लान तो यही है कि अब से सर्विस जो होगी वो ARV ब्रदर्स पे ही होगी, बिकॉज अभी भी सर्विस क्वालिटी ठीक है, पहले से बेटर है, लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, साउंड स्टिल आ रहा है, एक बार सुना दूंगा मैं। हाँ किक स्टार्ट भी बता देता हूँ, जो स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है भाई, मैं तो इतना जानता नहीं हूँ बाइक के ऐसे अंदर इंजन के बारे में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो टैपिट से ही कुछ ना कुछ लेना देना होता होगा। और उस दिन जब गाड़ी ठीक करी थी उसने, उसके बाद अगले दिन एक किक में स्टार्ट हो गई,
और उसके बाद आज ये 5-6 गीग में ही स्टार्ट हुई। तो अब पता नहीं भाई, देखो जो भी है देख लो, अब कुछ नहीं है। गाड़ी को अभी 10,000 किलोमीटर होने वाले हैं, तो अभी वो प्लान करूँगा। अभी ऐसे रोड पे तो प्लान कर नहीं सकता कि कब जाऊँगा मैं, तो वो मैं ज़रूर बताऊँगा कि मैं कब वहाँ ARV ब्रदर्स पे जा रहा हूँ। तो अब से गाड़ी की सर्विस तो भाई मैं वहीं कराऊँगा, उसके बाद जो मर्ज़ी कराना है कराओ गाड़ी में, कोई वारंटी वारंटी का इशू नहीं होगा। तो यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और एमिनम और मेरा टेलीग्राम पे ग्रुप है अपने डेली राइडर कम्युनिटी ग्रुप का नाम है, वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, अपना राय दे सकते हो, मतलब जो भी बात वगैरह कर सकते हो। और बस सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। और नेक्स्ट वीडियो मैंने सोचे वो बनाऊँ मैं कि अगर आप राइड करते हो, अगर आप राइड पे जाना चाहते हो, मतलब छोटी मोटी 50-60 किलोमीटर राइड इंक्लूड कर लेते हैं डेली कम्यूटिंग को भी, तो कौन कौन से चैनल आपको देखने चाहिए, जो कि मैं देखता हूँ और उनसे काफ़ी हेल्प मिलती है, डेट हाउ टू मेंटेन योर बाइक प्रॉपरली और व्हाट थिंग यू नीड टू चेक बिफोर गोइंग टू अ राइड। तो ये सारी ऐसी टाइप की कुछ वीडियोज़ होती है ना, इंपॉर्टेंट होती है, जो कि हम लोगों को नहीं पता होती और हम गलती कर देते हैं। पहले मैं भी करता था, मैं भी पहले से सीख के नहीं आया, अभी भी सीख रहा हूँ बाइक्स के बारे में। तो जब फर्स्ट मैंने राइड मारी थी, मतलब जो इस गाड़ी से पहली लॉन्ग राइड मारी थी, जब इंजन इसका बोल गया था, तो उस टाइम मैंने, मेरे को लग रहा है बहुत गलतियाँ की थी जो मुझे अब पता लग रही है, जैसे कि कंटिन्यूस 110 की स्पीड पर भगाते रहना, कंटिन्यू ब्रेक लेना ही नहीं है, और गर्मी ऊपर से पड़ रही है ना। तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं जो हर बंदे को चेक करनी चाहिए, ब्रेक पैड चेक कर लेने चाहिए, और मतलब चेन वगैरह किस तरीके से टाइट होती है, मतलब जो एक बेसिक चेकिंग जो एक बंदा अपने घर पर कर सकता है, व्हील वगैरह बैंड तो नहीं है ना, ऐसा टाइप के डिस्क प्लेट बैंड तो नहीं है, वो तो वैसे ही पता लग जाती है। छोटी मोटी चीज़ें जैसे ब्रेक लाइट काम कर रही नहीं करती, तो ये हम लोग घर पे खुद चेक कर सकते हो। ऐसी मैं चाहूँ तो खुद भी एक वीडियो बना दूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि एक्सपर्ट की आप देखो तो ये अच्छा है, मैं बताऊँगा तो भाई मतलब आधी चीज़ें तो मैं भूल ही जाऊँगा, तो एक्सपर्ट की वीडियो बता दूंगा एक्सपर्ट लोगों की, तो आप वो देख सकते हो, काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है। और अच्छे लोगों को मैं भाई हमेशा सपोर्ट करता हूँ, प्रमोट करता हूँ, वैसे मैं क्या ही प्रमोट करूँगा।